आपने बीच में पधारिया, जम्मू कश्मीर का पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने बीच में पधारिया, आपने नगर लाडला सांसद, केंद्र के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, आपने बीच में पधारिया, देवीलाल जी का पुत्र भाई अभय जी चौटाला, विधायक एल नामक, आपने बीच में पधारिया, आरसीए राजस्थान का अध्यक्ष और अशोक जी गहलोत साहब का सपुत्र जयवीर जी गहलोत, आपने बीच में पधारिया, अपना लाडला विधायक आदरणीय पप्पा राम जी बिश्नोई, आपने बीच में पधारिया, पूर्व मंत्री आदरणीय सोडी साहब, पूर्व विधायक आदरणीय मलकान सिंह जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी भोवाल, भाई सुरेश जी, अनुराग जी, करण सिंह जी, के साहब, सोम जी, सम्मानित मन, आपने अखिल भारतीय विश्व महासभा अध्यक्ष आदरणीय भाई देवेंद्र जी भूरिया, उपप्रधान आदरणीय जोगाराम जी और सम्मानित मंच उपस्थित पिता दूल्हे बुजुर्ग और हमारे युवा साथी, आप सबकी तरफ और हमारी तरफ और गुड़ा गांव के जनता की तरफ गुड़ा गांव बधाई हो, आप मारो गांव का बड़े नाथ, आप सबको कोटि कोटि अभिनंदन, स्वागत, आभार कि आप सब लोग बधाइया। मैं अवसर में हमारी तरफ और पूरा गांव की तरफ हूँ आपने संरक्षक जगह कुलदीप जी वालों भी धन्यवाद देना चाहूँ, वहाँ एक योग्य आदमी ने इन महासभा का अध्यक्ष बनाया है और उम्मीद कर रहा कि आप इन काम में सोच से बिना आगे बढ़ वाला और काम ने बहुत अच्छा आगे बढ़ा वाला, आप उम्मीद में करा आज आप बात सही है कि महासभा के प्रति लोगों का भाव थोड़ा कमजोर हो, लोग मैंने ठीक नहीं समझे, कई लोग नाराज भी था, लेकिन देवेंद्र सिंह आने के बाद वहीं वर्ष पड़े हुए हैं, सब लोग धीरे धीरे राज्य होने लग गया है और सब लोग सहयोग करने लग गया है, पहली बार मैं देखे वाला बार कई वर्षों बाद में आप सब लोगों थोड़ा थोड़ा रुपया ले नए काम सुगम पैसा ले और लेकिन आपने जुड़गांव की धर्मशाला भी पूर्व करने को योजना बनाई है, आगे दूसरी योजनाओं से जयपुर गया तो दूसरी चीज के अन्य संबंध में कल्पना है, आपने जो मामला एक खासतौर ओबीसी को अन्य पिछड़ा वर्ग भारत सरकार में आप राजस्थान में लाला 22 साल हूँ स्वर्गीय राम सिंह जी जिनका मांग उनके अपने अन्य परिवेश में अपने लिया, मध्य प्रदेश में अपन करीब 20 साल हमने अन्य पिछड़े हुए वहाँ, लेकिन आप भारत में आप ओबीसी में अपन नहीं यहाँ लिंग काम मैंने सौंपियो और करीब करीब आप लोग काम पूरे हो गए है, हमारे कैबिनेट में बोला देश के मैंने 25 जातियाँ हैं जबकि अन्य पिछड़े हुए पास आप आवेदन कर आवेदन तो 300 जातियों को कर रखे हुए लेकिन 50 जातियाँ है जिन आवेदन कम्प्लीट हो गए है और सिर्फ एक अपने जो फॉर्मल जो है एक कैबिनेट बीमो बनना है और कैबिनेट बीमो के बाद में पार्लियामेंट में जा वाला और पार्लियामेंट बाद में जो राष्ट्रपति साइन हो वाला, लेकिन 2017 के मायने 2018 मायने एक अमेंडमेंट आई जो कोई भी ओबीसी का जाति को है उन्होंने पार्लियामेंट की बिना परमिशन के कोई भी लाभ संशोधित नहीं हो सके, इन बात थोड़ा थोड़ा डिले वाला लेकिन उम्मीद करा बहुत जल्दी आप लोग काम हो जाएगा, आशा मैं आपने जानकारी भी देता हूँ, उन्हें मैं आप लोग सबको अभिनंदन करता हूँ कि समय भवन बहुत मेहमान आपने बोलने वाला है, आप सबको अभिनंदन करता था हमारी वाणी में विराम दे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भारत।